हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सी चाट बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी काबुली चना आलू चाट। तो इसके लिए ये आप देख रहे हैं कि मैंने घर में छोले बनाए थे, उसी में से मैंने कुछ छोले बचाकर रख लिए। ये काबुली चना है और ये मैंने उबाल लिया और इन्हें हमें अच्छे से उबालना है। आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से गल जाए, मतलब इतना हमें पकाना है। और उबालते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। ये लिया मैंने आलू, उबालकर इसे छोटा छोटा काट लिया। आप इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। प्याज और ये लिया टमाटर, जिसे काट लिया छोटा छोटा। इधर ये लिया प्याज, इसे भी काट लिया है। ये दो छोटी छोटी हरी मिर्च है, जिसे काट लिया है। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लिया धनिया पत्ती और ये चटनी है, ये इमली की चटनी और ये पुदीना और धनिया की चटनी। तो अब मैं ये चाट बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो चना है हम इसे बॉल में डाल लेंगे और इन्हें हम हल्का सा थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। इससे हमारी चाट बीच बीच में जो थोड़े बहुत छोले हैं वो क्रश कर लेंगे, सारे नहीं। इसके साथ ही अब इसमें डालेंगे आलू जो हमने रखा है, वो उबालकर और काटकर इन्हें भी इसके अंदर कर लेंगे मिक्स। तो ये जो चाट है बहुत ही मजेदार बनती है, आप एक बार बना के देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये टमाटर और जो प्याज हमने काट के रखे हुए थे, इन्हें भी इसमें ही डाल लेंगे। प्याज भी, प्याज को मैंने छोटा छोटा काटा हुआ, इसी के अंदर डालेंगे ये हरी मिर्च। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी काला नमक, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें सफेद नमक। यहाँ पे मैं दोनों नमक का यूज कर रही हूँ, इससे चाट में जो है वो काफी टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ये चना मसाला है, थोड़ा चना मसाला, थोड़ा अमचूर पाउडर। यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर और चाट मसाला दोनों का यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो चाट है थोड़ी चटपटी सी ही अच्छी लगती है। ये अमचूर पाउडर और ये है चाट मसाला। थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च। तो आप इसमें देख लें कि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है, कि आप तीखा कितना ज्यादा पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले मिक्स कर लें। इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स। काली पिसी काली मिर्च, अगर आपको जीरे का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हमें जीरे का टेस्ट पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ये चटनी, ये इमली की चटनी। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी धनिया पुदीना की हरी चटनी। इन्हें भी इसके अंदर कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके साथ ही जो हमने धनिया पत्ती रखी हुई थी काट के, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी पत्ती हम ऊपर के लिए बचा लेंगे, इसको डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये स्पाइसी और बहुत टेस्टी सी काबुली चना आलू की चाट बनकर तैयार है। इसमें आप मसाले अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है, तो ये बहुत ही तीखी सी और खट्टी सी चाट बनी हुई है। तो अब इसे मैं एक बर्तन में करूंगी ट्रांसफर। स्पाइसी सी काबुली चना आलू चाट बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़े से मैंने प्याज काट के रखे हैं, वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि काबुली चना और आलू चाट बनकर तैयार है और ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनी है। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। और दूसरा, इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखिए कि आप इसे जिस टाइम भी सर्व करें उसी टाइम इसमें प्याज मिक्स करें, नहीं तो चाट में स्मेल हो जाती है। और चने को अच्छे से उबाल लें और उबालते हुए थोड़ा सा उसके अंदर नमक भी डाल दें, इससे चाट और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। और अगर आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ और भुना जीरा भी मिक्स कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।